हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त मोहित गौड़। और आज से यानी कि 10 मई से मैं अपना एक नया चैनल शुरू करने जा रहा हूं। और उस चैनल पर आपको कुछ ऐसे तथ्य आपको बताने वाला हूं जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको आप दैनिक जीवन में प्रयोग तो करते हैं, लेकिन उनके इतिहास के बारे में आप नहीं जानते कि कैसे वो आपके जीवन के इतने उपयोगी प्रोडक्ट बन गए। तो मैं अपने नए चैनल पर आपको कुछ ऐसे ही वीडियो और तथ्य बताने वाला हूं जिनको सुनकर आपको अचंभा होगा कि क्या वाकई में ये बात बिल्कुल सही है। तो ऐसे ही फैक्ट्स को जानने के लिए आप मेरे नए चैनल मोहित गौड़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आज का ये मेरा पहला वीडियो है और ये वीडियो मेरा है माँ को समर्पित। पूरे विश्व में 10 मई को मातृ दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, क्या हम अपने जीवन का एक दिन अपनी माँ को समर्पित करके माँ के कर्ज से उबर सकते हैं? नहीं दोस्तों, अगर हम अपना पूरा जीवन भी माँ के चरणों में समर्पित कर दें तो भी कम है। क्योंकि दोस्तों, माँ एक ऐसी शख्सियत है जो हमें इस दुनिया में लेके आई, जिसने हमें चलना सिखाया, खाना सिखाया, पीना सिखाया, दुनिया की अच्छाई बुराइयां सिखाई। और हम उस माँ के लिए एक दिन नहीं पूरा जीवन नौछावर कर सकते हैं। दोस्तों, माँ एक ऐसा शब्द है जिसमें हजारों शब्द शामिल हैं। इस दुनिया को बनाने वाले भगवान को भी एक माँ ने जन्म दिया था, इसीलिए माँ का दर्जा तो भगवान से भी ऊपर है। दोस्तों, भगवान हर किसी के साथ हर वक्त नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने अपने प्रतिनिधि के रूप में माँ को हर घर में भेजा ताकि हर किसी के साथ भगवान रह सके। दोस्तों, पता नहीं भगवान ने माँ को ऐसा क्या गुण दिया है जिसके तहत माँ हमारे दुख को हमसे पहले जान लेती है। वो जान लेती है कि उसके बच्चे को क्या चाहिए। दोस्तों, माँ अपने बच्चे को खुद तो मार सकती है, लेकिन किसी और के हाथों से पीटता कभी नहीं देख सकती। हमारी माँ हमारे लिए सारे जीवन ये मेहनत करती है और कोशिश करती है कि कभी भी उसके बच्चों को कोई भी दुख ना हो। हर मौसम, सर्दी, गर्मी, बरसात का मौसम हो, माँ हर संभव प्रयास करती है कि उसके बच्चों को कोई दुख ना हो। दोस्तों, आपके जीवन का केवल एक दिन होता है जिस समय आपका जन्म होता है और आप रो रहे होते हैं और आपकी माँ मुस्कुरा रही होती हैं। उसके बाद आपके पूरे जीवन में कभी ऐसा दिन नहीं आता जब आप रोएं और आपकी माँ मुस्कुराए। दोस्तों, जिसके पास माँ होती है ना, वो दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान होता है। दोस्तों, जिसके पास माँ नहीं होती उसको पूछो कि माँ न होने का दर्द क्या होता है। हजारों गम हों तो भी मैं खुशी में फूल जाता हूँ, हजारों गम हों तो भी मैं खुशी में फूल जाता हूँ, जब मेरी माँ हंसती है तो मैं सभी गमों को भूल जाता हूँ। दोस्तों, माँ एक ऐसा शब्द है जो हर इंसान इस दुनिया में आने के बाद सबसे पहली बार बोलता है, चाहे वो किसी भी प्राणी का बच्चा हो, चाहे वो जानवर का बच्चा हो, चाहे वो इंसान का बच्चा हो, वो सबसे पहले माँ ही बोलता है, चाहे वो किसी भी भाषा में बोले। दोस्तों, माँ शब्द एक ऐसा शब्द है जो है तो बहुत छोटा, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं। दोस्तों, माँ के चरणों में जन्नत होती है। आप अपने घर से कभी भी किसी अहम काम के लिए निकलें तो अपनी माँ के चरणों को छू के निकलें। आप भरोसा कीजिए, आपका वो काम ज़रूर पूरा होगा। क्योंकि दोस्तों, अगर आपकी माँ को पता चल जाए कि आप किसी अहम काम के लिए जा रहे हैं, तो माँ सारे दिन कुछ भी कर रही हो लेकिन यही भगवान से दुआ करेगी कि उसके बच्चे का वो काम जरूर सफल हो। और पूरी दुनिया में दोस्तों कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जो आपके लिए इतनी दुआ करे। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ और सभी माओं को प्रणाम करता हूँ। और फिर से आप लोगों से मैं कहता हूँ कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको मिलने वाले हैं इस चैनल पर बहुत सारे मज़ेदार वीडियो। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मातृ दिवस की आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। मांग लूँ यह मन्नत कि फिर यही जहाँ मिले, मांग लूँ यह मन्नत कि फिर यही जहाँ मिले, फिर वही गोद मिले, फिर वही माँ मिले।